दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतरीन प्लान को डिस्कस करने वाले हैं जिसका साइज है 20x45, बट काफ़ी लोगों की रिक्वायर्ड ये जगह है, प्लॉट है। 20x45 एक नॉर्मल सा प्लॉट होता है और लोग इसी को ज़्यादा रिक्वायर्ड करते हैं। अगर आप एक लो बजट में एक बेहतरीन सा घर चाहते हैं तो 20x45 एक प्रॉपर जगह होती है जिसमें आप एक अच्छा सा घर डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारे एक जानने वाले थे, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने 20x45 में मॉडल डिजाइन किया है। ओवरऑल मैं पूरा मॉडल दिखाऊंगा, इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर मैंने बनाया है। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग इस घर को डिजाइन किया गया है। 20x45 का आज मॉडल हम डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट करें। मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 20x45 मॉडल को डिफाइन करने के लिए हम आपको ले चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये दोस्तों देखिएगा, आपको 20x45 का बेहतरीन सा मॉडल देखने को मिल रहा है। एक नॉर्मल सा मॉडल आप देख सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि लो बजट को मैंने ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। बजट को प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखकर इस मॉडल को डिजाइन किया है 20x45 में। तो सबसे पहले बात करें हम इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर ये बना हुआ है दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले आपको मिलता है एक पार्किंग के लिए जगह जिसमें मैंने बाउंड्री वॉल दी है। ये मेन डोर जहाँ से एंट्री करेंगे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते ही आपको पार्किंग के लिए स्पेस मिलता है। इसके बाद अंदर जाते हैं तो ये आपकी स्टेयर्स मिलती हैं, जैसे टर्न होकर बाहर आएंगे ये आपको एक गेस्ट रूम मिल जाता है, बेडरूम मिल जाता है, जो भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहें। इस बेडरूम के लिए बाहर से विंडो साइड से मैंने डोर दिया है जिसे आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद ये डोर है जिससे आप अंदर जाएंगे, एक विंडो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी मैंने दिया है। तो ये आपका डाइनिंग हॉल देखने को मिल जाता है। इस डाइनिंग हॉल के जस्ट साइड में ये आपका लेटरिन बाथ है और ये आपका मिल जाता है यहाँ पर स्टोर रूम। अगर आप देख पा रहे होंगे स्टोर रूम आपके सामने ये बना हुआ है, तो ये आपका स्टोर रूम बना हुआ है। इसके बाद आप पीछे देखते हैं तो यहाँ पर ये आपका बड़ा सा एक बेडरूम जिसके लिए यहाँ पर मैंने डोर दिया एक्सेस करने के लिए। इसके बाद पीछे आपको एक विंडो डोर दिख रहा होगा, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि पीछे मैंने वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ रखी है। उनकी रिक्वायर्ड थी आप यहाँ पर स्टोर रूम या कुछ भी बना सकते हैं, एक साइड वेंटिलेशन छोड़ सकते हैं, जो भी आपका रिक्वायर्ड लगे। इसके बाद ये आपका किचन एरिया है और इस वेंटिलेशन की वजह से इस किचन पर पीछे मैंने विंडो दिया है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। और आगे जो डाइनिंग हॉल था आपका, डाइनिंग एरिया था, यहाँ पर भी एक डोर और विंडो दिया है, प्रॉपर किचन का वेंटिलेशन पीछे से भी और आगे दोनों जगह से, बैक और फ्रंट दोनों साइड से आपका वेंटिलेशन होगा। साइड में इस बेडरूम का भी वेंटिलेशन होगा और इधर आपका पूरा ओवरऑल पहले से वेंटिलेट घर बना हुआ। तो काफ़ी अच्छा ढंग से डिजाइन किया गया है ये 20x45 फीट का ग्राउंड फ्लोर। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे पहुंचते हैं तो पूरा डिजाइन सिमिलर है, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा जैसा ग्राउंड फ्लोर था, वही वेंटिलेशन, वही बेडरूम, किचन, डाइनिंग हॉल, किचन लेटन बाथ और आपका स्टोर रूम, इसके बाद ये बेडरूम। बस आगे जो आप पार्किंग वाला एरिया था वो आपको कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर बालकनी में, और आगे ग्रिल, और ग्रिल को थोड़ा सा डिजाइन करते हुए पिलर मैंने डिजाइन कर दिए हैं। डिजाइनिंग के पर्पस से चीज़ें बनी हुई है, इसका और कोई मतलब नहीं है। और आपकी ग्रिल का डिजाइन देखिएगा, आपको यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में मिलता है, इसके बाद इधर रेक्टेंगुलर और आपका ग्रिल स्टील का ग्रिल लगा हुआ है। बात करें लास्ट फ्लोर की तो ओवरऑल आप 3.5 फीट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल, फ्रंट में ग्रिल और ऊपर गुमटी बनी हुई है आपको स्टेयर्स को ढकने के लिए, जो भी स्टेयर्स था उसको ढकने के लिए। और आप इस डोर से ऊपर आएंगे अपने छत पर तो ओवरऑल 20x45 का एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा मॉडल आपके सामने बनकर रेडी हो गया। अगर मॉडल पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारे मॉडल पसंद आते हो तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं लगातार अपडेटेड वीडियो नए नए मॉडल से डालता रहता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर प्रोत्साहित करें, आप हमें अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।